गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। बाय गाइस, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, मथिरा वर्सेस बरकत उज़्मी, हु विल विन देखते हैं। बहुत फनी वीडियो है, तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने ना, क्योंकि इन लोगों का जो शेर है ना बहुत ही मस्त है, और इन लोग एक एक जो नॉनवेज बातें करते हैं बहुत ही गजब है। जो आप समझ जाओ तो बढ़िया है, नहीं समझो तो फिर रिसर्च कर लेना गाइस। और गाइस, जो भी इस वीडियो पे नए, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह के वीडियो आपके नोटिफिकेशन मिलते रहे और ऐसे ऐसे वीडियो आप देखते रहे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोगों को बिना किसी परेशानी के, चलिए शुरू करते हैं। में रहो, आप इंसान को इंसान समझो, अल्लाह आपको देगा। ये भी बड़ी दुख की बात होती है, लेकिन बड़ा सैड होता है। ज्यादा दुख नहीं लो, पता है दुख फिर बाहर आ रहा है तुम्हारा। भाई गजब, सही बात है, ज्यादा दुख लेगा तो बाहर आ जाएगा। जी हाँ, आए आए आए, काफी लोग थक गए होंगे, बैठो। तुझे दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है, मजा आ रही है, लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो। लेकिन जो हमारे आज की मेहमान है वो करते हैं संडे रोजाना, उनकी बातें हैं बड़े फंडे वाली, और वो लोगों को दे देते हैं डंडे बातें बातें में। कंट्रोल कंट्रोल उदय। सो यस, हम बुलाते हैं द वन एंड ओनली बरकत एंड उज़्मी को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। यार ये होती है तारीफ, सीखो इससे। वैसे बरकत बताओ, क्या हुआ बालों में? आप मुझसे भी ये पूछे क्या हुआ बालों में? निकल भाई, फुर्सत में निकल। Hey, y'all come look at this. हेलो भाई, क्या हुआ? ये तुम लोग की एक के एक के खड़े नहीं होते बाल, एक के बैठते नहीं। ये बेचारा वैसे खड़ा हुआ है तो बाल ही खत्म। और बेइज्जती कर लो इन। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फखर से कभी कभी हो जाता है, आप जब आप जैसे लोग तारीफ। देखिए बात है मेरी फिटनेस का, अगर आप अगर फिट मुझे कह रही हैं आप, तो शो के बाद भी आप इस बात पे कायम रहिएगा। आपकी आंखों की लाली बता रही है कि आंखों की लाली नहीं, मजाक नहीं, आपकी आंखों की लाली बता रही है कि नहाते वक्त आपकी आंखों में साबुन गया है। कभी गया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसा लग रहा है, नहीं ऐसे कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताइए, साबुन चाहे जिस रंग का भी, उसका झाग हमेशा सफेद ही क्यों बनता है? क्या पता जो तुम साबुन के साथ खेल खेल कर आए हो, शैम्पू वाला बहुत चंगा ना। मैं करूं? आप थोड़ा बाहर से हो गए, गर्मी बहुत हो रही साइड पर। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सोचा नहीं कि मेरे दोस्त की भी होनी चाहिए शादी, इसके भी बच्चे होने चाहिए, या तुम्हारी नियत खराब है? इस पर क्या मसला है? खुसरा पैंचोस। मैं शादी के लिए तुम बात कर रही हो ना, देखो मैं दुनिया के तमाम शोहरों को आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ। मेरा मैसेज बड़ा डिसेंट मैसेज है तमाम शोहरों के लिए। क्या? कि आधी रात को अपनी बीवी को तंग ना करें, अगर उसका मूड ना हो तो खुद उठ के पानी पी लें। अगर तुम इस कॉमेडियन वाली लाइन में नहीं होते तो कहाँ होते? तो फिर मैं आप वाली लाइन में होता। अब बोल। जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, तुम बताओ तुम किसको सपोर्ट करते? मैं ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ। देखो भाई, सर्दियों में तुम भूलना जाना। हाँ। आपको एक शेर दे, सर्दियों में तुम भूलना जाना, दो बच्चे खुशहाल कराना। देखो बात पता है क्या, मथिरा हमारे सुन लो ना, मैं भी होस्ट हूँ यार, ये खुद ही कर रहा है शो। आपकी तरफ लाइट जा रही है, आप समझे, आप इंटरव्यू, आप रोजाना आप इंटरव्यू लेते हैं, आ जाओ आप अपना दे दे इंटरव्यू। तू समझा? हाँ, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, तू समझा? नहीं समझा। मैं आपको हलफिया बोलने के लिए तैयार हूँ। हाथ उठा। छोटे छोटे बच्चे, 14-14 साल के बच्चे, 13-13 साल के बच्चे, मथिरा से मिलवा दो। मथिरा, मैंने कहा ये काम किया होता मेरे डिफेंस में बंगला नहीं होता।
सही बात है, कोई किसी का खास नहीं होता, कोई किसी का खास नहीं होता, लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। बिल्कुल। अब इस एंटरटेनमेंट में अगर कोई नुक्ता चीनी या कोई बारीक बात को खींच के उसको करके हमारा सिर्फ मकसद उसमें हम कहीं लाइन क्रॉस कर जाते हैं, अच्छा, तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। तो लाइन ही नहीं होती है ना। ऑडियंस बैठी है, एक लड़की उठ के आ जाएगी, आपने लड़कियों पे जोक क्यों सुनाया, मुझे बुरा लगा, आपको थोड़ी बोला है, हम तो एक नॉर्मल हुआ ऐसा तुम लोगों ने क्या किया? बस कुछ नहीं, उन्होंने जो भी किया हमने पेमेंट लिए निकल गए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन मैंने कुछ लड़कों को देखा है, 5 मिनट के रिलेशनशिप के बाद ही कह रहे होते जानू हम अपनी कब्रें साथ साथ बनाएंगे, और कुछ लड़कियां 2 साल बाद भी अपने बॉयफ्रेंड को यही चूना लगा रही होती, जानू फोन इसलिए बिजी था, अम्मी जो ना खाला से बात कर रही थी। बाय बाय टाटा गुड बाय गया बंद कर दी। अब यार साइकिल 2 दफा जब किसी ने जबरदस्त टाइम हुआ साइकिल चलाने के लोग पीछे लग जाए। अच्छा ये अपने जैकेट क्यों पहनी हुई आज? यार बस कभी कभी पहनना पड़ता है। वजह आई मीन अच्छी लग रही थी। अच्छा जैकेट अच्छी लग रही थी। हाँ। अच्छा बात पता है क्या? और यू नो ये उनसे पूछे जो सोच रहे कब उतारेगी। तुम बताओ कितने साल के हो? क्यों भाई आपने शादी कार्ड बनाने बताओ साल पे मत जाइए मेरी यार, मेरी, मेरी रफ्तार पे जाइए। मुझे अपने घर जाना है। अब मैं पिछले हफ्ते एक डॉक्टर के पास गया मेडिसिन लेने के बाद, मैंने पूछा मैंने डॉक्टर साहब आपने मुझे कोई परहेज तो बताया नहीं, मेरा परहेज क्या? डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपका परहेज ये, आप ये दोबारा मत आइएगा। अब डॉक्टर मुझे कह रहे हैं आप में खून की कमी, आप जो है ना अनार खाया करें। अनार? मैं अनार लेकर आया, आप यकीन करो अंदर से इतना सफेद था, उसको तो खुद खून की जरूरत थी। निकल पहली फुर्सत में निकल। आप मोहब्बत में रहो, आप इंसान को इंसान समझो, अल्लाह आपको देगा। ये भी बड़ी दुख की बात होती है, लेकिन बड़ा सैड होता है। ज्यादा दुख नहीं लो, पता है दुख फिर बाहर आ रहा है तुम्हारा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तुम लोग ये बहुत ही कंफर्टेबल हो रहे हैं, इनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा। ओह माय गॉड कैसा है, ऐसा कुछ है? काश मतीना मिल जाए। ये सारे डब्बे यही खोलेगा? हाँ ये डब्बे खोलने में मास्टर है। मैं किसी का ही खुल गया है डब्बा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। अच्छा मतीना एक बात बताओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हारा इंटरव्यू एक बात पूछना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल ही सबका सवाल है, तुम वाकई में अंदर से ऐसी ही हो जैसे तुम दिखती हो, ये लोगों का सवाल है। मैंने कहा यार हम तो मतीना से इतने शो किए हैं, इतनी पॉजिटिविटी बहुत पॉजिटिव है, आप उस पे मत जाइए, तो आप ये लोगों को बताओ कि तुम आर्टिफिशियल नहीं हो। तू समझा कि कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, मतलब सब एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, ये कयामत के दिन ही पता चलेगा कि किसके पीछे भाग रहे हो आप। आप किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसा। सो आई होप गाइस वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। मथीरा की तो जान निकाल दी बिचारी की, इतना ले ली उसकी, समझ लो बिचारी परेशान हो गई। सो गाइस वीडियो काफी अच्छा लगा होगा आप लोग आई होप, और गाइस बहुत ही मजा भी आया होगा। सो गाइस आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और ऐसे ऐसे वीडियो आप देखते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।